नमस्कार दोस्तों, मैं उज्मा खान और आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लाइट 7 न्यूज में। तो आइए डालते हैं एक नजर कुछ खास खबरों पे। दादा साहब फाल्के अवार्ड में हमें 2 साल पहले अवार्ड मिल चुका है और इस बार हम बहुत एक्साइटेड है। हमारा डांस परफॉर्मेंस है फर्स्ट टाइम इन दादा साहब फाल्के अवार्ड में, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर माय इवेंट। जस्ट क्रॉस द फिंगर्स कि अच्छा लगे एंड लोग नाचे। तो सबसे पहले तो मैं दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया, और हम बड़े लक्की हैं कि हमें उस इंडस्ट्री के अंदर आज परफॉर्मेंस का मौका भी मिल रहा है। 2 साल पहले नीलू जी ने बताया जैसे हमको बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था, लेकिन आज हम लोग पिछले साल हम परफॉर्मेंस कर चुके थे लेकिन इस बार हम लोग दोनों जोड़ी बन के कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारा जो सॉन्ग है वो है दैट इज रंगीलो म्हारो ढोलना, क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा राजस्थान को लोगों को पसंद है तो थोड़ा सा टच देना था। हाँ, माइंड में रख के परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग झूमे। माय अटायर इज ऑल ऑफ राजस्थान बिकॉज मैं स्टापलेस का शो भी कर रही हूँ जो वो भी राजस्थानी टच से है। यार बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड गेटिंग द अवार्ड, और मेहनत करते हैं और उसकी सराहना मिले तो आई थिंक उससे बड़ा क्या हो सकता है। आई थिंक ही इज़ द मेकर, उन्होंने शुरुआत करी और आई थिंक हम लोग मेहनत करते हैं कि जो उन्होंने शुरुआत करी उसे हम कहीं ख़राब ना करें, बस कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। गलत तो नहीं है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए, एंड आई एम ग्लैड कि उनको अभी रिकग्निशन मिल रहा है, एंड आई होप ये इसके आगे तरक्की और करते रहे, बढ़ते रहे आगे। दबंग टूर, बस यार अब जा रहा हूँ वापस, जून में हम लोग जा रहे हैं दबंग टूर के लिए, एंड यूएस एंड कनाडा, एंड बस उसकी तैयारी अभी आज आया हूँ मैं, एक अच्छी हॉलीडे पे गया हुआ था, जस्ट केम बैक। जी, बड़ा ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए एक छुट्टी मना के आया हूँ, बस अब ज़रा अवार्ड लेके आया। नहीं, ये एक शॉर्ट फिल्म करी है, सो एक नया कुछ ट्राई किया है, आई थिंक अनदर 10 डेज सब कंप्लीट हो गया है, मैं बाहर निकाल के आपको बिल्कुल नहीं पसंद, क्लीन शेविंग एक दिन करना पड़ेगा क्लीन शेविंग। यार ये मैं अमित शाह संदेश नवलखा, ही डिजाइन्स फॉर मी, तो मैं तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पड़ता, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो पहनता हूँ। जी देखिए, दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन से अगर बेस्ट एंकर मिलना अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, टीवी, रेडियो, डिजिटल इवेंट्स, ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है, ये अवार्ड्स वजूद वाले होते हैं। मैंने 14 साल की उम्र में रेडियो टेलीविजन करना शुरू किया, 21 साल की जर्नी रही है, तो उसके बाद इतने बड़े लोग जैसे अक्षय कुमार हो, राकेश रोशन हो, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सदस्य हो, उनके साथ ये अवार्ड रिसीव करना बहुत बड़ी बात होती है। दादा साहब फाल्के इज ऑब्वियसली द फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा, उनके नाम से एसोसिएट होना बहुत बड़ी बात होती है, एंड टू बी द बेस्ट एंकर इन इंडिया अक्रॉस ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ऑल आई कैन से थैंक यू टू माई व्यूअर्स, थैंक यू टू माई सपोर्टर्स, एंड थैंक यू टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी लोग मेरे चैट शोज पर आते हैं, मुझे इंटरनेट पर ट्रेंड करवाते हैं, टीवी पर ट्रेंड करवाते हैं, रेडियो पर रेटिंग्स लेके आते हैं, आपकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप इतना बिंदास होकर मेरे शो पर बातें करते हैं एंड मेरी हौसला अफजाई होती है, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी द बेस्ट एंकर ऑफ इंडिया, थैंक यू, थैंक यू। तो अब तक आप देख रहे थे कुछ खास खबर, ऐसे खबरों के साथ बने रहिए, धन्यवाद।